जिला बड़गाम में खाग तहसील के कोकरबाग खोकर मोहल्ले के लोगों का कहना है कि इनके गांव में अभी तक सड़क का कोई नामो निशान नहीं है, जिससे वहां के लोगों को तरह तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। सर्दियों का मौसम आने वाला है, जिससे इनके मुश्किलों में और भी इजाफा होने वाला है। यहाँ के मुकामी लोगों का मजीद क्या कहना है, वो उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। आए हत लट रोड एस्टिमेट बनाए वारिया मतलब ब्लॉकन पे तक गए डी सी सबस इन एप्लिकेशन कि यहाँ गोष अस थोड़ा ये सुधरार हो गु कड़ नरेगा मज पक कह मरमत वन कम आम मगर सू ठेकदार साहब उस वो नुन तम थव यह पटित बंड तो बे मेन क्या पल अगर अस गाड़ी पल ना हेकान यो ना हूर गाड़ दिवान गसन ना दिवान बोन वसन यतुत हर कि रोड बिल्कुल कम मेहरबानी कर गुजारिश कि यह रोड गोष ठीक गुन अ मुश्किल अमुक बेमार या कह चीज पे मेन रोडस पे त्रा गाड़ वो माना योर खसन कहीं अगर बेमार आर पे पी एम जी पे खालन या बोन नुन यत ना सूवान कहें रोड यमें बंड दिन अगर गाड़ ये वो टिपर विपर से उकन खसान ट्रैक्टर बाकी गाड़ी हेकान कहें गि मगर यह सैड गुम सालम गसित ये गाड़ पकान लर मज ग गाड़ वो ये बंड ज आम खबर कह सत हथ फुट वन क्या तम से दुन जान मतलब डिस्ट्रब्यूट ग सैड ग बंद बाकी भराई त्रे लट आई अम त्रे लट गई यह बंद मेहरबानी कर वीडियो के वसात डिस्ट्रिक बडगाम अस डी सी साहब तेम गुजारिश करा कि योकन करो तवजुदा खास कर खाक बी डी ओ साहब उस डी सी सिंह सार साहब तमन मेहरबानी तो मेहरबानी कर रोड क्लियर अस नो और सी बच त नान गाड़ वाते ब्रो कह चीज आन मुश्किल गो योडस वाल हमें त्रो तेल ये रोड त्रोस हमें त्रो ना रोड कहें तो बाकी रोड कर सारी फिट इन इतने पर्यट त्रे वो पे ये शीन रोड बंड त्रक नहीं बंड ज दिखे जाए बाकी त्रोक इतने बिल्डिंग पे कोरख ना कहीं यप आव वंद नजदीक पे शीन कम गपस अस डी सी साहबस गुजारिश कर बी डी ओ साहबस मेहरबानी मेहरबानी कर दी तो तवजुद ये गाम योर पुछान खुदायस वरा कह बेसहार योर सुनमें त्रम तम सात योर लीडर बड़ बड़ वोट मंगने पन लालच द्रायक तो गई पानस पुन पुछान कह तो ये पल अख सड़क मं योर हेकान कह गाड़ खसित डिपर त मारवती तीन ये खसान कहीं ये रूड़ी त्रो मेहरबानी मेहरबानी कर कम्प्लीट बाकी के कोकरबाग में वो एक रोड है कोकर मोहल्ला इसका वीडियो हमारे पास आया था तो इसका वीडियो हमने देखा तो हमने इस काम को पीआरआई के प्लान में इंक्लूड किया है और ये अप्रूव्ड है इसका टेंडर भी हो चुका है और अलाटमेंट भी हो चुकी है तो इंशाल्लाह इसका काम बहुत जल्द शुरू हो जाएगा इसी महीने में अक्टूबर के महीने में इसका काम शुरू हो जाएगा ताकि लोगों की ये जो देरीना मांग है ये इसका जो इजाला हो जाए लोगों की मुश्किलात का इजाला हो जाए तो ये लोगों की मांग बहुत जल्द पूरी हो जाएगी।